श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है कन्नू के दर्शन करने के लिए। नैनीताल से दर्शन करके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आया आपका। रुचि गोयल, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा। अरे ये लोग इतने पास से, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गए, बहुत आनंद आया। जयकार लगा दो। हमारी कामना पूरी हो जाती है अपने आप। जैसे घर में बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और जुगल जोड़ी के साथ साथ दर्शन किए, ये देखिए बिहारी जी साक्षात मेरे पास आ गए हैं। और मुझे क्या चाहिए, अपने आप ही लेके आ जाते हैं, पता नहीं लगता कब आ जाते हम पे। बोले बिंदा बिहारी लाल की जय। अच्छा ये चंदन क्यों लगाया हुआ है? अरे जानती हो ये चंदन है? हाँ ये जानती चंदन है। और हमें तो पता भी नहीं लगा कि हमारे पंडित जी हमें कब ले आए, बस उन्होंने फोन किया चल रहा है हम आ गए। आगे बिहारी ने बुलाया, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। हम आ चुके हैं कन्नू और राधा को लेके, बिहारी जी दर्शन करवाना है। राधे राधे। अब लोग आ चुके हैं और अभी निकलते हैं, यहाँ मिठाई की स्वीट स्वीट शॉपर, तो यहाँ से प्रसाद भी लेते हैं शायद, और फिर चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं बिहारी जी। राधे राधे। दर्शन करने आए भैया, बाकी बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने आए हैं, अपनी अरदास लगाने आए हैं, और सभी लोग साथ में, अंकल जी हैं साथ में। राधे राधे बोलो। राधे राधे साहब। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। और ये भैया क्या नाम है? राधे राधे। नाम तो बता दो। ललित। चलिए भैया जरा। और ये राधा रानी और ये राधा रानी और कन्नू दोनों साथ में, रीता और रिया दोनों ही, और ये आप तो मुझे जानते हो, हमारी डिजाइनर भैया। तो दोस्तों आ गए हैं बाके बैरी के गेट नंबर 4 पे, और चलते हैं देखते हैं कैसा हर्षोल्लास है अंदर। तो दर्शकों ये सजावट देखिए बाके बिहारी मंदिर की, और ये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है दर्शन के लिए, पट खुलने वाले हैं कुछ ही देर में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बिहारी जी के मंदिर के अंदर, और अभी लग रहा है भोग, तो अभी दरवाजे नहीं खुले हुए हैं। और कन्नू और राधा देखो कितने खुश हैं। ये देखो कन्नू और राधा को लेके गोद में लेके खिला रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा तनिष्क नाम है। क्या? तनिष्क। तनिष्क जी कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली तिलक नगर से आए हैं। आप सभी लोग दिल्ली से आए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं वृंदावन आकर? बड़ा अच्छा अनुभव। और वृंदावन में बाके बिहारी जी के अभी दर्शन हुए या नहीं? हो गए। अभी हाँ कुछ लोगों के दर्शन हो गए, कुछ लोगों के नहीं हुए, कैसा अनुभव कर रहे हैं? हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। कितनी बार आए हो वृंदावन? बड़ी बार आ चुके। कई बार आ चुके। और क्या कामना लेके आए हो वृंदावन में? क्या कामना लेके आए हो, क्या मन में इच्छा है? हमारी कामना पूरी हो जाती है अपने आप। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित अमित कुमार वशिष्ठ है जी। मैं दिल्ली तिलक नगर से आया हूँ जी। ठाकुर जी ने मुझे भी अपनी सेवा दी हुई है, जुगल जोड़ी विराजमान है जी।
हर वर्ष 6 जून को उनका जन्मोत्सव, जैसे घर में बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है वैसे हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के रसिक गायक आकर भजन आनंद लेते हैं। आज कन्हैया जी से मिलने का दिल में फिर इच्छा हुई कि 4:30 बजे घर से निकले और बिहारी जी के दर्शन किए और जुगल जोड़ी के साथ साथ दर्शन किए। ये देखिए, जुगल जोड़ी के साथ में दर्शन करने आए हैं और साथ में हमारे कन्नू और राधा भी हैं इनके गोद में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा तो मनीषा से आई हूँ। मनीषा जी कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बिहारी जी साक्षात मेरे पास आ गए हैं और मुझे क्या चाहिए, क्या इच्छा लेके आई हैं? बहुत मन में इच्छा है, बिहारी जी पूरी करेंगी, इनसे यही कामना कर रही हूँ, मुराद मांग रही हूँ। दर्शन करने आती रहेंगी? हाँ जी, हर साल हर महीने मुझे बुलाते रहे मैं आती रहूँगी। बहुत अच्छा कह रही है कि हर साल हर महीने मुझे बुलाते रहे और मैं आती रहूँगी। और ये लड्डू गोपाल साथ में, इनका नाम कन्नू है, इनका नाम भी कन्नू है। और ये एक छोटे कन्नू, एक छोटे कन्नू माधव है ये, और निकनेम कन्नू है। माधव भी है। आप बताइए। मैं बनीता तिलक नगर से आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए सुख और शांति व्यवहार बढ़ाने के लिए कामना पूर्ति करने आई हूँ। हमेशा दर्शन करने की इच्छा रखती है। मैं प्रभु अपने आप लेके आ जाते हैं, पता नहीं लगता कब आ जाते हम। अपने साथ ही रखती हैं। क्या खिलाती हैं इनको? मैं माधव क्या खिलाती हूँ इनको? जो मैं खाती हूँ खिलाती हूँ। जो आप खाती हैं वही खिलाती हैं? कैसे सेवा पूजा करती हैं? इनकी सुबह उठाती हूँ, स्नान कराती हूँ इनको, इनके कपड़े वस्त्र बदलती हूँ और उनका दूध का भोग लगाती हूँ। फिर जो मैं भोजन खाती हूँ वही मैं बहुत अच्छा। एक जयकारा लगा दीजिए इसी बात पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा वंशिका तुलसियान है। वंशिका ही एक और वंशिका है, ये भी वंशिका है। और ये वीडियो जाएगा कविता यादव ब्लॉग। अच्छा हाँ, ये कविता का ब्लॉग चैनल है। अच्छा, ये चंदन क्यों लगाया हुआ है? अच्छा, जानती हो ये चंदन है? हाँ, ये जानती चंदन है। अच्छा, चंदन और टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है शायद बाकी बिहारी जी लगाते थे, तो इसलिए हमें भी लगाया जाता है। बाकी बिहारी जी लगाते थे, उसके अलावा बाकी बिहारी जी को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ग्रीष्मकालीन गर्मियों में शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप किया जाता है, इसीलिए चंदन का लेप किया जाता है बाकी बिहारी को, और इसीलिए हम सभी लोग लगाते हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं वृंदावन सेकंड टाइम आई हूँ और हमें तो पता भी नहीं लगा कि हमारे पंडित जी हमें कब ले आए, बस उन्होंने फोन किया चल रहा है हम आ गए। हमारा कोई प्लान नहीं था कि मतलब चलना है, बस अचानक फोन आया और हम 10 मिनट में घर से निकल पड़े। बहुत अच्छा। अभी दर्शन हुए नहीं? अभी कहाँ हुए मेरे, तो दर्शन करके जाना। हाँ बिल्कुल। और कैसी अनुभूति होती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कविता यादव ब्लॉग, कविता यादव ब्लॉग वृंदावन सर्च करेंगे तो ये फोटो आएगा सामने। बोलो राधे राधे। हम तो दर्शन करके जा रहे थे लेकिन इसने कहा कि मैंने दर्शन नहीं किया, रुको। ये इसने नहीं रुकवाया, हमें जुगल जोड़ी ने दर्शन देना था यहाँ पर बिहारी जी के। कन्नू और राधिका दोनों साथ में है। जुगल जोड़ी से बाहर निकल के ये कहेंगे दर्शन नहीं हुए तो जुगल जोड़ी के दर्शन किए हैं। अभी एक छोटा सा भजन गा दीजिए कोई भी। बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी। जाती छवि पे मैं जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाती छवि पे जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। बार बार सपने में आया मेरे, बार बार
कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा। अरे ये लोग इतने पास से पहले भी ऐसे दर्शन किए इतने पास से ही? हाँ। कितनी बार? दो तीन बार। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। आनंद आ गए? बहुत आनंद आया। तो जयकारा लगा दो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है कन्नू के दर्शन करने के लिए। और ये देखो फोटो खींच खींच के लेके जा रहे हैं कन्नू के। कन्नू और राजा रानी के फोटो खींच के ले जा रहे हैं श्रद्धालु। कहाँ से आए हो आप लोग? नैनीताल से। नैनीताल से दर्शन करके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आया। रुचि गोयल जी, कितनी बार आ चुकी हो? इससे पहले कितनी बार आई? एक बार आई, दूसरी बार हुआ ना। तो आनंद आए? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और बहुत दर्शन करने को मन कर रहा है। जी नहीं भर रहा बिल्कुल भी। जयकारा लगा दो। राधे राधे बोलो बाके आए। सजावट हो रही है और ये सेल्फी ले रहे हैं देवेंद्र बाबू। जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, राधे लमेली सरकार। जपे जा राधे राधे। अरे राधा रानी आ गई है, प्रकट हो गई है। चलो प्रस्थान कर रहे हैं, चलते हैं। क्या कर रही हो गई है? चुके हैं और यहाँ प्रसाद खुला है। देखिए भोग लगा था, ये देखिए। और ये एक आंटी बोलती है। अंकल जी बताइए कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। आंटी बहुत आनंद आया, बहुत बिहारी जी के दर्शन भी अच्छे हुए, ठाकुर जी की। और भीड़ कैसी थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी लेकिन दर्शन हो गए। भीड़ करने में दर्शन का मजा है ना। तो अभी राधा और कन्नू बैठ चुके हैं अपने अपने स्थान पे। देखिए कन्नू और राधा ना दोनों ने मैचिंग की ड्रेस पहनी हुई है। देखो कन्नू तो बहुत ही खुश है वहां आके, और राधा तो है ही। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर, प्रस्थान करेंगे हम लोग।